लेकिन बारिश होने से कोई प्लावन नाम रखता है, ये मेरे साथ हुआ, तो हुआ तो अब मैं क्या करूं, तो कुछ कर नहीं सकता, यही नाम सर्टिफिकेट पे है, नौकरी की सब कुछ इसी नाम से हुआ। तो ये अभी तो मैं बोलता हूँ, लेकिन जो ऑफिस में होता था ना भट्टाचार्य जी बोला जाता था, नॉर्मली यूज टू से बाई सन नेम। तो और चलिए चलिए, और ढंग से बताइए, कई लोगों ने आपने पूछा। आपने नहीं, किस मैंने प्रयोजन से? आपको याद इसलिए किया क्योंकि आपका मैं पोस्ट देखता हूँ, उसमें मेरे को भी रखा है, वो जो ध्रुव अग्रवाल है, तो मुझे अच्छा लगा, तो आई थॉट कि थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं देश की जो हालत है उसमें। और आप तो सर्विस में रह चुके हैं, तो यू नो इन्स एंड आउट्स ऑफ द होल सिस्टम, द पॉलिटिकल एंड होम मिनिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स। देखिए, एक चीज अपन को समझना पड़ेगी बहुत जोर से कि ये जो सरकार है, ये आपकी सरकार है या ये काले अंग्रेजों की सरकार है। और आप कहेंगे आपकी सरकार और काले अंग्रेजों की सरकार क्या मायने रखती है, तो चाहे काले अंग्रेजों की सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, चुन तो दोनों आप ही रहे हो। काले बिल्कुल। अंग्रेज जो है वो उन्हीं के नियम, उन्हीं के कानून, उन्हीं की शोषण करने वाली, और जिसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसा तंत्र है जो आपको आते जाते शोषित करता है, आपको बेइज्जत करता है, अपमानित करता है। और ये बिल्कुल। तंत्र तो बनाया ही इसलिए गया था कि आप इसको, इनको तोड़ के रख दो। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। अभी भी वही तोड़ने वाली शक्तियां उनके पास अवेलेबल हैं, हाँ। और वो निर्णय ना लें तो कोई दिक्कत नहीं है, विलंबित निर्णय लें तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत निर्णय लें तो भी कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। बिल्कुल स्थिति वैसी है कि तरबूज छुरी पे गिरे या छुरी हाँ। तरबूज पे गिरे, कटना तो तरबूज को ही है, तो बिल्कुल बिल्कुल कटना तो बिल्कुल। आपको ही है। हाँ अच्छा, नंबर वन। हाँ नंबर टू जो है, ये सिस्टम जो है अच्छे लोगों के लिए भी नहीं है, नहीं और ये अच्छे लोगों को तो टिकट ही देने में इनको दिक्कत होने लगती है। तो टिकट दो लोगों को मिलते हैं, या तो वो क्रिमिनल होना चाहिए या उनकी पॉलिटिकल विरासत होना चाहिए, हाँ ये दो लोगों पैसा को ही पैसा टिकट होना मिल रहे चाहिए, हैं, पैसा ठीक पैसा होना चाहिए, पैसा। है ना। वो तो क्रिमिनल्स के पास है, तो तुम्हारा पैसा जो है ना कम महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल हाँ वो तो पैसा जो है होना ना, चाहिए, क्रिमिनल्स तो पैसा। पैसे के भी साथ में आ रहे हैं, बाहुबल के साथ में आ रहे हैं, नहीं अपराधियों के पैसा। नेटवर्क के साथ में आ रहे हैं, तो वो हाँ आपसे हाँ ज्यादा अच्छे है ना। हाँ हाँ नहीं प्योर पैसा पैसे, के और बगैर तो प्योर पैसे वो वाले भी तो कोई, वो तो आपका पैसा तो हमारा ही है ना, आपसे जब चाहेंगे तब ले लेंगे। नहीं पैसा तो देश का ही है, लेकिन नहीं टिकट उसी देश का को। नहीं है, काले अंग्रेजों का ही। हाँ वही वही, मतलब देश का मतलब वो इंक्लूडेड है, हाँ, तो वो जो पैसा बगैर पैसे का नहीं होता, बिकॉज पैसा लेने के लिए उसको बदमाश बनना पड़ता है किसी अपन इस शनि महात्मे डायनामिक्स के में ना जाएं, पास। अभी अपन इस डायनामिक्स में ना जाएं, क्योंकि वो लंबा समय लेगा। अभी नेट रिजल्ट ये है कि यदि हाँ आप आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी आपकी आरती उतारने के लिए तैयार हैं, आपको अपने पार्टी में सम्मिलित करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल और यही कारण है कि 42% क्रिमिनल्स जो आपके पार्लियामेंट में, 42% लोग जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। हाँ 42% बहुत बड़ा परसेंटेज है, बहुत 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 ज्यादा। और 29% उसमें से मर्डरर्स हैं, अटेम्प्ट टू मर्डरर्स हैं, किडनैपर हैं, रेपिस्ट हैं, हाँ तो बहुत जघन्य अपराध वाले लोग हैं, हाँ हाँ और इनकी संख्या बढ़ रही है। मेरे ख्याल से आपको इस बात की शायद जानकारी होगी कि एक PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, वो इसलिए थी कि साहब इन अपराधियों को पॉलिटिक्स में आने से रोका जाए, हाँ कानून के निर्माता कानून के अपराधी नहीं होना चाहिए। तो हाँ उस PIL पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके ये फैसला दिया कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कानून बनाने की शक्तियां तो मुझ में है नहीं, तो ना। मैं पार्लियामेंट से अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा कानून बनाएं। अब इतना समय बीत गया, ऐसा कोई कानून बनने वाला नहीं है, नंबर वन। तो हाँ इससे एक स्थिति ये बन रही है कि 42% क्रिमिनल्स अभी हैं, तो 2024 का स्वरूप कैसा होगा? इसका मतलब है उसको 50% से ज्यादा क्रिमिनल्स होंगे, और बिल्कुल ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब हाँ कंजर्वेटिव एस्टीमेट है कि 50% को क्रॉस कर जाएंगे। बिल्कुल तो
यदि आपकी पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा लोग क्रिमिनल्स होंगे तो ये डेमोक्रेसी होगी या क्रिमिनोक्रेसी होगी? नहीं, तो डेमोक्रेसी तो दूर दूर तक नहीं थी, थे भी नहीं, है भी नहीं, होगी भी करेक्ट, वो भी आपने बिल्कुल सही बात कहा है। तो इसको अपन क्रिमिनोक्रेसी कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द हाँ क्रिमिनल्स। हाँ हाँ और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो बात कही है कि डेमोक्रेसी नहीं थी। तो मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि चुनाव की प्रक्रिया को एक किनारे रख दिया जाए। आपका चुना हुआ प्रतिनिधि ना तो आपकी बात रखने की स्थिति में है और आपको तो छोड़ दिया जाए, वो अपनी बात रखने की स्थिति में भी नहीं है। नहीं है वो, इट वाज ऑलवेज इलेक्टेड. वो पार्लियामेंट में वही बात कह पाता है जो उसकी पार्टी कमांड उससे कहती है, हाँ और उसके ऊपर एक तलवार लटकी होती है जिसे पार्टी व्हिप कहते हैं। हाँ 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 अब बात सवाल आए कि चलिए भाई, आप पार्लियामेंट के अंदर तो आप बोल नहीं सकते हैं, तो डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। हाँ अब नहीं अपन है, दूसरी बात करें कि क्या पार्लियामेंट के बाहर डेमोक्रेसी है? तो नहीं. पब्लिक डिबेट हो, चाहे टीवी डिबेट हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, वहां पर भी आपके पास जो है पार्टी डिसिप्लिन का खतरा है। तो आपने एक सेंटेंस भी दाएं बाएं बोल दिया तो कल आपको पार्टी किसकी सदस्यता से भी हटा देंगे और सब कुछ हटा देंगे। हाँ, वो पिनिटिव तो एक्शन हुआ हो जाएगा. इसका, हाँ, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी तो है नहीं, राइट? ना. अब तीसरी बात कर लें, वो है एन के एन प्रकारेन। आप सब लोगों के लिए दुकान खोल के बैठे हो कि आ जाओ मेरी पार्टी में। तो जो भी आपकी पार्टी में आ रहा है वो देशहित के लिए आ रहा है या वो अपने स्वार्थी कारणों से आ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उस तरफ जो है घास ग्रीन है, वो हाँ. तत्काल जो है मंत्री बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, राइट? इस लालच से वो आ रहा है। वो तत्काल रिजर्वेशन टाइप है. हाँ. हाँ, तत्काल रिजर्वेशन टाइप है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो लाइन में इसका खड़े होके मतलब क्या है कि होगा. जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो सभी दुष्टों को वेलकम करने के लिए तैयार है, तो इनका नियति क्या है? इनकी नियति बड़ी सिंपल है कि एन के एन प्रकार सत्ता में काबिज हो। बिल्कुल. आप सत्ता में काबिज क्यों होना चाहते हैं? आपका भला करने के लिए। तो आपका भला करने के लिए तो विस्थापित नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपको तो शोषित करना है, आपको तो तंग करना है। तो फिर ये तो काले अंग्रेज ही हुए ना, क्योंकि नहीं, ये काले पीले कुछ भी हैं, दे आर सिंपली डूइंग द सेम थिंग्स. जो क्यों ट्रांसफर ऑफ पावर था, देयर वाज नो नथिंग ऑफ दैट मैं सॉर्ट वही देन. बात कह रहा हूं। यहाँ तो काले अंग्रेज का मतलब है हाँ, इट इज वही ए है. पावर टू देयर टू एक्सप्लॉइट इट, राइट? अब वो आपके रंग के लोग हैं, आपकी नेशनलिटी के लोग हैं, वो लेकिन कैसे भी उनकी हैं. सोच वही है। नहीं, वो सोच, वो बनाई गई सोच, माइंडसेट तैयार किया गया, बिकॉज उस टाइम और आज भी कोई, जैसे आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे आदमी नहीं थे. यू नेम एनी बडी, कोई नहीं था. तो उससे वो एक माइंडसेट तैयार किया गया कि दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज हाउ डेमोक्रेसी फंक्शंस, एंड दिस इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल वर्क. तो ये जो बनाए, आप देखिए, सबसे ज्यादा एक बात मैं बोलूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि प्रियम्बल को अगर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे तो सारे ये जेल में मिलेंगे, सब जेल में मिलेंगे. अब उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल रखा और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट्स बनाए, और उसके अकॉर्डिंगली आर्टिकल्स बनाए, और आर्टिकल के अकॉर्डिंगली रूल्स बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस. अब हुआ क्या, क्योंकि ये जो चार चीजें हैं, जस्टिस की बात है या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी बात है, ये हमारे 130 करोड़ में से 129, मतलब एक एक आदमी भी बहुत कम समझता हो व्हाट इज मेंट बाय दिस. तो अब क्या हुआ, क्योंकि इसको छोड़ के, प्रियम्बल को छोड़ के लोगों ने एक्ट बनाए, और वो जो अब सारे रूल जितने भी बने वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं. वो कैसे? वो इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपका रेफरेंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को हटाया नहीं गया. उसके अकॉर्डिंगली सारे जो एक्ट्स बने थे, जो आईपीसी, सीआरपीसी, सारे पिछले, मतलब बिफोर पार्टीशन के हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस के. आप अगर कोई भी डील करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, नहीं, लेकिन जब वो तो वो बहुत अच्छे हैं। आप देखो, हाँ जब भी आप पुलिस एक्ट 1861 को हटाने की बात करते हैं, अमेंड करने की बात करते हैं, तो देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां, स्पेशली जो शासन में रहती है,
कितनी घबरा जाती है, नहीं वो उसके रूहे काम जाते हैं। नहीं वो घबराते इसलिए है बिकॉज दे आर नॉट एकेडमिक, उनको तो एक तरीका जैसा देखा है नेहरू जी ने देखा है वो वैसे ही चल रहे हैं, वो उससे अलग नहीं, 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 नहीं ये नहीं है। कारण ये है क्योंकि ये सिस्टम उन्हें रास कर आ रहा है, वो उनकी चीजों को जो है ना आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, वो शोषण करने में मदद कर रहा है, और जो वो शोषण कर रहा है उसकी पूरी पूरी राशि जो है ट्रांसफर और पोस्टिंग के समय पहुंचाता है, फिर वो हर महीने जो है हर महीने भी राशि पहुंचाता है, तो वो शोषण का जो है साझेदारी है ना। नहीं साहब ऐसा है, शोषण तो उसका कंसिक्वेंस है, आप अगर इसको हाँ जो कंसिक्वेंस है वही तो कारण बन गया ना, हम नहीं, उसको नहीं बदलना चाहते हैं। यदि हम उसे बदल देंगे तो जो आज मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा। नहीं वो नहीं बदलेंगे क्योंकि जो कर रहे हैं वो बदलेंगे, खुद से नहीं बदलेंगे। देखिए एक चीज सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी का रेफरेंस वो आपके कहने पे भी क्यों बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, हम तो सिर्फ ऐसे बात कर रहे हैं कि एक सेम वेवलेंथ पे हैं तो अच्छा लगता है। जो पार्टी का रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ठीक है, एंड वी इलेक्ट ए पर्सन नॉट पार्टी, तो इस चीज को नेहरू जी ने नहीं बोला कि भाई पार्टी को वोट मत दो, इंडिविजुअल को दो, एंड इंडिविजुअल जब सिलेक्ट होता है ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही डजंट रिमेन अ मेंबर ऑफ द पार्टी। जो गवर्नमेंट का है वो पार्टी के लिए काम नहीं करेगा बिकॉज इट इज नॉट अलाउड कॉन्स्टिट्यूशनली। ये बात मैंने तो देखिए गांधी जी ने तो यहां तक कहा था कि कांग्रेस पार्टी खत्म कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो जिसका मकसद था वो पूरा हो गया, अब उसको करके आप वो करिए, ऐसा करके तो फिर वो जीतते ही नहीं, क्योंकि उनका अपना तो कोई वजूद ही नहीं था, बल्कि कमेटी ने तो उनको एक भी वोट नहीं दिया था। हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ, वो जो भी हुआ हिस्टोरिकली जो भी हुआ वो सब गलत हुआ। अब आज की डेट में हम क्या करें, हिस्ट्री को देखें या आज को सुधार मतलब फ्यूचर को सुधारने की बात करें? अच्छा अब आपका क्या कहना है? अब मेरा कहना ये था कि मैंने कुछ चीजें मतलब स्टडी किया है बिकॉज मेरा एक एकेडमिक वो है टीचर की वजह से, तो एक एकेडमिक है, तो मैंने जब स्टडी किया पिछले 4 साल से मैं इसी में लगा हुआ हूँ। तो इसके लिए जब मैंने स्टडी कर लिया और अपने आप को वैल्यू एडिशन काफी कर लिया, फिर मैंने देखा कि लोगों की समझ के बाहर है।